हम लोगों ने माउथ फेरिंग्स और लेरिंग्स स्टार्ट किया हुआ था। माउथ हमने डिस्कस कर दिया था, आज हम डिस्कस करेंगे फेरिंग्स और लेरिंग्स के रिलेटेड। सबसे पहले फेरिंग्स को डिस्कस करते हैं। फेरिंग्स जो है सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल कैविटीज। नेजल कैविटीज के बाद यानी कि नेजल कैविटी और माउथ कैविटी एंटर होती है इनटू द फेरिंग्स। तो नेजल कैविटीज और माउथ के बाद जो है ना वो ये कहाँ पे जाता है, फेरिंग्स में। The pharynx is funnel shaped, upper wider and lying under the skull, and it's broad, narrow and becoming continuous with the esophagus opposite the six cervical vertebrae. Pharynx जो है funnel shaped है, ये इसका connection जो है ना दो हिस्सों में चला जाता है, ये continue, ये pharynx की तरफ continue भी हो जाता है और ये esophagus की तरफ continuation भी हो जाता है जो कि digestive system। अब जिस point के ऊपर ये pharynx continue हो जाता है विद द एसोफेगस, वो याद रखिए सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रे। फेरिंग्स कंटिन्यूएशन हो जाता है टू द एसोफेगस और इसकी अंदर से ही एक ओपनिंग निकलती है जो उसको हम कहते हैं लेरिंग्स। इस वजह से फेरिंग्स को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नेजल फेरिंग्स जहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसका कनेक्शन होता है विद द नोज। ओरल फेरिंग्स जहाँ इसका कनेक्शन होता है विद द ओरल कैविटी। और लेरिंजियल फेरिंग्स जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है टू द लेरिंग्स। इस तरह इसमें तीन ओपनिंग्स होती हैं, ये तीन इसके कनेक्शंस होते हैं विद नेजल कैविटी नेजल फेरिंग्स के जरिए, ओरल कैविटी ओरल फेरिंग्स के जरिए, और लेरिंग्स के साथ इसका लेरिंजियल फेरिंग्स के जरिए कनेक्शन होता है और ये कंटिन्यू हो जाएगा विद द एसोफेगस। और ये लेवल एमसीक्यू जो आपने याद रखना है, किस लेवल के ऊपर ये एसोफेगस में कंटिन्यू हो जाता है उसे हम कहते हैं सिक्स सर्वाइकल वर्टेब्रा। अच्छा, ये कुछ मसल हैं जिस तरह हमने बाकी भी सीजन में मसल्स पढ़े, इनको आप नाम याद कर लें, नर्व सप्लाई और एक्शन याद कर लें, इनके ओरिजिन इंसर्शन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक रीजन को हमने डिटेल से नहीं पढ़ा, इसमें मसल्स कौन से हैं सारे छोड़े हैं। तो सबसे पहले है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ये नर्व सप्लाई इसकी फ्रेंजियल प्लेक्सस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंजियल प्लेक्सस का, फ्रेंजियल प्लेक्सस जैसा कि आपको पता है प्लेक्सस का मतलब होता है गुच्छा, नर्व्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग प्लेक्सस कहते हैं। तो फ्रेंजियल प्लेक्सस नाइन्थ क्रेनियल नर्व है ग्लॉसोफ्रेंजियल, तो यही इस रीजन को सप्लाई करेगी, ग्लॉटस और फेरिंग्स से निकला है। इसी तरह जो टेंथ क्रेनियल नर्व है वागस नर्व, ये नाइन्थ और टेंथ के मिल के जो है ना प्लेक्सस बनाते हैं जिसे फ्रेंजियल प्लेक्सस। तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल जो है उसको फ्रेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, एड्स सो पैलेट इन क्लोजिंग ऑफ नेजल फेरिंक्स, प्रोपेल्स बोलस डाउनवर्ड, यानी नेजल फेरिंक्स को ये बंद करती है जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं। और ये जो बोलस होता है, जब आपको पता है कि हम खाना खाते हैं तो जो फूड का हम लोग च्यूइंग करके बाद का जो पोर्शन होता है उसको बोलस कहते हैं, उसको बोलस को फर्दर मूव करता है। तो यहाँ पर इस तरह सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर होगा, मिडल कंस्ट्रिक्टर होगा और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर होगा। मिडल कंस्ट्रक्टर तीनों नर्व मसल्स की जो नर्व सप्लाई है वो फ्रेंजियल प्लेक्सस से ही है। ये भी तीनों का फंक्शन यही है कि ये बोलस को डाउनवर्ड जो है ना मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। च्यूइंग के बाद जो हम लोग खाना एक दफा अपने माउथ के साथ दांतों के साथ उसको चबा लेते हैं तो उसको जो आगे मूवमेंट होती है वो इन तीनों मसल्स की होती है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर। उसके बाद आ जाएगा क्रिकोफ्रेंजियस मसल, क्रिकोफ्रेंजियस स्टाइलोफ्रेंजियस और सल्पिंजोफ्रेंजियस जो है मसल, इनका जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो नर्व सप्लाई जो है इसकी भी फ्रेंजियल प्लेक्सस है, जो क्रिकोफ्रेंजियस है इसका स्फिंक्टर एट लोअर एंड ऑफ द फेरिंक्स, यानी कि ये क्या करेगा कि ये क्लोज करेगा फेरिंक्स के लोअर एंड, यानी कि थोड़ी देर के लिए फूड यहाँ पे रहेगी। स्टाइलोफ्रेंजियस एलिवेट्स लेरिंग ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है वो नाइन्थ क्रेनियल नर्व है वो इसको सप्लाई करती है। स्टाइलोफ्रेंजियस ये क्या करेगा, लेरिंग्स को एलिवेट करेगा ड्यूरिंग स्वेलिंग। लेरिंग्स को एलिवेट करने का क्या फायदा है, आपको पता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो लेरिंग्स जो है वो कनेक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो ड्यूरिंग स्वेलिंग इस चीज से बचने के लिए कि खाना जो है कहीं लेरिंग्स की तरफ ना चला जाए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स में ना चला जाए, उससे बचने के लिए स्टाइलोफ्रेंजियस मसल क्या करता है उस टाइम लेरिंग्स को एलिवेट कर देता है। अब लेरिंग्स को एलिवेट करने का क्या फायदा होगा कि जो फूड है वो लेरिंग्स की तरफ नहीं जाएगी, वो डाउनवर्ड सीधा जो है वो एसोफेगस की तरफ ही जाएगी। उसके बाद साल्पिंजोफ्रेंजियस है, नर्व सप्लाई इसकी फ्रेंजियल प्लेक्सस है, तो ये क्या करेगा एलिवेट
फिरिंग्स करेगा, फिरिंग्स की एलिवेशन इसके जिम्मे है, और उसके बाद आ जाएगा प्लेटो फ्रेंजियस, इसकी नर्व सप्लाई भी फ्रेंजियल प्लेक्सस है, और ये वॉल्स ऑफ द फिरिंग्स को एलिवेट करता है और पुल करता है प्लेटो फ्रेंजियल आर्च मीडियल। प्लेटो फ्रेंजियल आर्च भी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहे, तो इसको मीडियली आपने याद रखना है कि उसको ये मीडियल पुल करता है। तो यहाँ से एक चीज नजर आ रही है कि सारे के सारे जो मसल हैं इनकी नर्व सप्लाई सवाए स्टाइलो फ्रेंजियस के, बाकी सब की नर्व सप्लाई फ्रेंजियल प्लेक्सस है, और सबका रोल जो है वो मेन रोल जो है वो स्वेलिंग में है, ताकि खाना जो है वो इजीली इस फिंगर्स की तरफ ट्रैवल हो सके। उसके बाद आ जाता है लेरिंग्स। लेरिंग्स आप लोगों को पता है कि ऐसा ऑर्गन है, इसका दो फंक्शन है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इट इज एन ऑर्गन दैट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव स्फिंक्टर एट द इनलेट ऑफ द एयर पैसेज। एक ओपनिंग होती है, एक स्फिंक्टर होता है, वो भी प्रोटेक्टिव होती है क्योंकि इसके ऊपर एपिग्लॉटिस होता है जो कि इसको ढक के रखता है नॉर्मल हालात में, जब हम नॉर्मल हालात में जाए सॉरी जब हम खाना खा रहे होते हैं। सो मेन फंक्शन एक तो एयर पैसेज भी है, हवा के एक रास्ता है जो हम लोग सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन इसी रास्ते से और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से बाहर आती है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस प्रोडक्शन जब बोलते हैं तो लेरिंग्स को हम लोग दूसरा नाम देते हैं वॉइस प्रोडक्शन। इट इज सिचुएटेड बिलो द टंग, टंग के ये नीचे है, एंड हायर बोन, हायर बोन के एंड बिटवीन द ग्रेट ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक। वेरी बिग ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक कौन कौन सी हैं, हम बता चुके हैं, पतली कैरोटिड आर्टरी, स्टेनो कैरोटिड आर्टरी, इस तरह अगर वेन में जाए तो जुगुलर वेन, टर्नल जुगुलर वेन, ये सारी सारी जो है ना बड़ी ब्लड वेसल है, और ये उनके उनके दरमियान में होता है। एंड लाइज एट द लेवल ऑफ द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। अब ये बात भी याद रखने वाली है, हम सी फर्स्ट टाइम कि लेरिंग्स का लेवल क्या है अपोजिट टू द सिक्स्थ सेवंथ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। सर्वाइकल वर्टेब्रा आपको याद होगी मैंने बताई तो आठ होती है, सॉरी सात होती है, तो ये उनके फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ के अपोजिट। इट ओपन्स अबव इनटू द लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, वही लेरिंजियल फेरिंग्स, इसका ऊपर फेरिंग्स का कनेक्शन होगा और बिलो ये कंटिन्यूस हो जाएगा विद द ट्रेकिया। द लेरिंग्स इज कवर्ड इन फ्रंट बाय द इंफ्रा हायड स्ट्रैप मसल्स, जैसे कवर किया जाता है कुछ मसल्स के साथ, एंड एट द साइड्स बाय द थायराइड ग्लैंड। इसके बिल्कुल साइडों पर थायराइड ग्लैंड भी होता है, लेरिंग्स के लेवल के ऊपर थायराइड ग्लैंड भी होता है, जो आप लोगों को पता है कि थायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में फैटिक ऑर्गन है, तो किस्म के लिम्फोसाइट्स ये बनाता है, और समटाइम इसकी स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी जिसे हम लोग बाइटर कहते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द लेरिंग्स इज फाउंड बाय द कार्टिलेजेस दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन मूव्ड बाय द मसल एंड लाइन बाय द नर्व। ये सारी चीजें इसके अंदर जुड़ होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनलेट ऑफ द लेरिंग्स। जैसे आपको बताया इनलेट ऑफ द लेरिंग्स वो पॉइंट है जहां पे फेरिंग्स लेरिंग्स में एंटर होता है। द इनलेट ऑफ द लेरिंग्स लुक्स बैकवर्ड एंड अपवर्ड, पीछे की तरफ होता है, अपवर्ड हमेशा ही अपवर्ड रहता है, इसलिए अपवर्ड होता है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि कहीं गलती से भी ऊपर से बोलस आ रहा है, फूड का स्वेलिंग होकर आ रहा है, वो कहीं से इसके अंदर ना चला जाए, इसी इसको जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड और बैकवर्ड होती है। The opening is wider in front than behind. आगे से ये ओपन होती है रीचिंग इस पर एंड इज बाउंडेड इन फ्रंट बाय द एपिग्लॉटिस, उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। लेटरली इसके एरियो एपिग्लॉटिक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, पोस्टीरियरली इसके एरेटिनाइट कार्टिलेजेस होती हैं, उसके अलावा भी कॉर्निकोट कार्टिलेजेस होती हैं। ये इन दोनों कार्टिलेजेस को अभी पिक्चर में देखते हैं, आपको दिखाऊंगा ये कहां पे मौजूद होती हैं, एरेटिनाइट एंड कॉर्निकोलेट कार्टिलेजेस। उसके बाद दो इसमें फोल्ड होते हैं, लरिंजियल फोल्ड जिनको कहते हैं, एक वेस्टिब्यूल फोल्ड होता है और एक वोकल फोल्ड, जिसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल फोल्ड जो है फिक्स्ड है, फोल्ड ऑन ईच साइड ऑफ द लेरिंग्स एंड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द वेस्टिब्यूल लिगामेंट एंड इज वास्कुलर एंड पिंक इरेक्टर। दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि वेस्टिब्यूल फोल्ड और वोकल फोल्ड में क्या फर्क है, तो फर्क आपको यही बता रहा हूँ कि वेस्टिब्यूल फोल्ड है वो फिक्स्ड है, पहला फर्क, ठीक है, दूसरा फर्क ये वास्कुलर है, ठीक है, और तीसरा फर्क ये कि इसमें जो कलर है वो पिंक है वेस्टिब्यूल फोल्ड का। इसके बरअक्स अगर हम वोकल फोल्ड की बात करें तो वो मोबाइल है, ये जब हम लोग बोलते हैं तो ये वोकल कार्ड मूव करता है, वाइब्रेट करते हैं, और ये वॉइस प्रोडक्शन में कंसर्न होते हैं, मेन इसका फंक्शन। उसके बाद ए वास्कुलर, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती,
तीसरा मेन डिफरेंस ये कि वो पिंक कलर का था वेस्टिबुलर फोल्ड और ये व्हाइट कलर का, ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड में, और ये चीज याद रखना है कि जो वोकल फोल्ड या वोकल गार्ड में है ये वाइब्रेट करते हैं जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज के प्रोडक्शन में वॉइस प्रोडक्शन में। अच्छा एक हमारा अलग टॉपिक था एनाटॉमी रिलेटेड टू इंट्यूबेशन, जब हम लोग यूनिसी से रिलेटेड है कि जब हम लोग ये से हम लोग कहते हैं लैरिंजियोस्कोप, जब हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं पेशेंट के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं ETIU से कहते हैं, तो इस चीज क्या पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए ये चीज पता होना चाहिए आपको, और क्या क्या इंटरनली हमारे जो थ्रॉट की पोजीशन होनी चाहिए ताकि किसी भी लैरिंजियोस्कोप जो है वो इजिली यहाँ पे एंटर हो सके। सबसे पहले जो आप बात आपने याद रखनी है कि ये कंडीशन ऐसे कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मिसाल ये हमारा जब हम लोग एयरवेज अपने मेंटेन करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि अगर प्रॉपर एयरवे की ओपनिंग चाहिए तो सर नीचे की तरफ होता है और जो चिन है हमारी ऊपर की तरफ। अब जब ये कंडीशन बनाएंगे ये कंडीशन हमको वोकल कॉर्ड की नजर आएगी, जिसमें हमको अभी ये अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें ये अंदर से जो चीज है वो ओपन हो जाएगी, जब ये चीज ओपन हो जाएगी तो हमको बकायदा ऊपर से यहाँ पे कैमरा लगा होगा जिसकी मदद से हम लोग एग्जामिनर्स आए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स के दरमियान में हमको ये जगह नजर आ रही होगी इस कैमरे की मदद से। ये लैरिंजियोस्कोप को यूज करने का मकसद ये होता है कि हम उसको डालें, उसके बाद जब ये लैरिंजियोस्कोप एंटर हो जाती है ये जगह ओपन हो जाती है, फिर उसके नीचे हम लोग जो है ना एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाल देते हैं ताकि इजीली वो जो है ना वो हम उसको प्रॉपरली इंसर्ट कर सके इनटू द लैरिंक्स, लैरिंक्स के अंदर तक जाके ये इसको रखते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इनटू द एट द पॉइंट जहां पे ट्रेकिया स्टार्ट होती है। इस तरह हम लोग इस लैरिंजियोस्कोप की मदद से ये स्ट्रक्चर्स क्लियरली हमको नजर आएंगे, इस लैरिंजियोस्कोप कहते हैं कि ये लैरिंक्स को देखने में देती है, ठीक है। तो ये इस टाइम टंग जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, सॉरी नीचे की तरफ चली जाती है, तो हमें ये सारा रास्ता जो है नजर आ रहा होता है, ओपनिंग नजर आ रही होती है इस लैरिंजियोस्कोप की मदद से ताकि हम इजिली है ना वो एंडोट्रेकियल ट्यूब की इंसर्शन कर सकते। ये पोजिशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, एक आपका क्वेश्चन भी है, एक आपका पिक्चर भी है कि एनाटॉमी रिलेटेड टू इंट्यूबेशन क्या होना चाहिए। ये वो कंडीशन दिखाई गई है कि किस कंडीशन, इस कंडीशन में देखें तो सारे के सारे हम लोग जाएंगे इधर से जाएंगे तो ये चीज ऐसे पड़ी होगी। अब जब हम लोग हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, माउथ हमारा यहाँ चला गया था, हमें सारी चीजें क्लियरली नजर आ रही है अंदर से, इजिली इंडोट्रेकियल ट्यूब की इंसर्शन करने आसानी है। अच्छा ये रिलेटेड टू रेस्पिरेशन है कि रेस्पिरेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो नॉर्मल क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले तो इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। बिल्कुल सेंटर वाला जो ओपनिंग होती है इसकी लेरिंग्स की जो अगर कंटिन्यू हो जाती है ट्रेकिया में से राइमा ग्लॉटिडिस, राइमा ग्लॉटिडिस ऊपर से स्कॉपिग्लॉटिस जिसे आप सीखेंगे राइमा ग्लॉटिडिस, ये इसके बिल्कुल साइडों पे वोकल फोल्ड है जैसे मैं आपको बताया कि ये मोबाइल है व्हाइट कलर के हैं और ये वॉइस प्रोडक्शन मदद देते हैं, ये वास्कुलर है और उसके बिल्कुल आप जो लैटरली जाएं तो ये वेस्टिबुलर फोल्ड होते हैं ये वाले क्योंकि फिक्स्ड है और पिंक कलर के, ठीक है। अगर हम इसको वैसे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला वोकल, यहाँ पे वोकल लिगामेंट है, सेंटर वाली जो ओपनिंग से राइमा ग्लॉटिडिस कहते हैं, ये यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है, अब इसके बिल्कुल यहाँ पे जो है एरेटिनाइड कार्टिलेज अब ये जो कंडीशन है ये दूसरी कंडीशन डी कंडीशन दिखाई गई है जब हम लोग सांस इंस्पायर कर रहे होते हैं, सांस अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो वोकल फोल्ड है वो थोड़ा सा छुप गया है यहाँ पे इस कंडीशन में, उसके वेस्टिबुलर फोल्ड के नीचे चला गया। अब इस कंडीशन में इजिली क्योंकि इसकी ओपनिंग हो गई है तो सांस लेने में आसानी है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे उसने यूनिफॉर्म कार्टिलेज दिखाई है और ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो मैं आपको बता रहा था कि ज्यादा नहीं है और यहाँ पे जो है ना वो ज्यादा हो गई है ताकि इंस्पिरेशन
जी यानी